गोलू ग्रोज अ नोज। अच्छा सर, गोलू ग्रोज अ नोज, इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? आखिर गोलू की नाक उग गई, ऐसा क्या इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग है? तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तब हमें पता चलेगा। लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। जो एलिफेंट्स थे पहले, उनके पास कोई भी ट्रंक नहीं थी। ट्रंक मतलब सूंड। लेकिन एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। उसके पास भी कोई ट्रंक नहीं थी, लेकिन जो उसकी नाक थी वो काफी बड़ी सी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी समझ लो आप। गोलू जो था उसको बहुत सारे सवालों के जवाब जानने थे। वो कभी ऑस्ट्रिच से पूछा करता था कि तुम्हारे पास पंख तो है लेकिन तुम और बर्ड्स की तरह उड़ती क्यों नहीं हो। वो कभी अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटामस को पूछा करता था कि आपकी आईज हमेशा इतनी रेड क्यों रहती है। ना ही गोलू के क्वेश्चंस का आंसर ऑस्ट्रिच करती थी, ना ही उसके अंकल करते थे। गोलू के अंकल को ये लगता था कि जो क्वेश्चन गोलू उनसे पूछ रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक दिन गोलू मैना से मिलता है। मैना क्या होता है? मैना होती है एक बर्ड। गोलू मैना से ये पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर के लिए क्या खाता है मैना? मैना बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस सवाल का जवाब तुम्हें क्रोकोडाइल्स को देखकर ही पता चलेगा। क्रोकोडाइल लिम्पो रिवर के पास में मिलेंगे तुम्हें। तो गोलू बोलता है अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं वहां पर जाऊंगा। गोलू अपने घर की तरफ लौट आता है। वहां पर वो खाना पीना खाता है और अपनी फैमिली को बोल देता है, बाय बाय मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पो रिवर के अंदर ये देखने के लिए कि क्या खाता है क्रोकोडाइल अपने डिनर के लिए। गोलू स्टार्ट कर देता है लिम्पो रिवर की तरफ जाना, ये जानने के लिए कि आखिर क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर के लिए। जब गोलू अपने रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे मिलता है एक पाइथन। पाइथन मतलब कि सांप। पाइथन से वो सेम क्वेश्चन पूछता है, अरे भाई पाइथन, क्या खाता है क्रोकोडाइल डिनर के लिए? जो पाइथन था वो भी बेचारा चुप हो जाता है, वो भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो भी फिर गोलू को फॉलो करने लग जाता है। जब गोलू रिवर के पास में पहुंचता है तो वो एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखता है पानी के अंदर। वो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था पानी के अंदर, वो था एक क्रोकोडाइल। गोलू ने तो कभी पहले क्रोकोडाइल देखा नहीं था, लेकिन जब वो गौर से उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके पास आंखें भी हैं। तो उसको पता चलता है कि ये क्या चीज है। तो वो फिर दोबारा उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े के पास जाकर पूछता है कि अरे भाई तुम कौन हो? तो क्रोकोडाइल बोलता है कि हाँ हाँ मैं ही हूं क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल अपने वही मगरमच्छ वाले आंसू उसको दिखाने लगता है। तो गोलू को पता चल जाता है ये जो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था ये कोई और नहीं, ये क्रोकोडाइल ही था। गोलू काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्रोकोडाइल से पूछ लेता है, अरे भाई क्या खाते हो तुम डिनर के लिए? क्रोकोडाइल बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ये जानना है मैं डिनर के लिए क्या खाता हूँ? जरा इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में चुपचाप बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ डिनर के लिए। और वो गोलू को अपने पास बुला लेता है। वो ऐसा इसलिए बोलता है, वो गोलू को अपने पास इसलिए बुलाता है क्योंकि वो क्रोकोडाइल गोलू को खाना चाहता था। जब वो गोलू को अपने पास बुलाता है और गोलू जब उसके पास जाता है तो क्रोकोडाइल उसकी नोज से उसको पकड़ लेता है। वो गोलू को बोलता है कि आज तो बेटा डिनर में मैं तुम्हें खाऊंगा। अब जो पाइथन होता है वो फटाफट भाग कर आता है और गोलू की हेल्प करता है। गोलू को पाइथन बोलता है कि अरे अपनी तरफ खींच कर भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो भी गोलू की नाक पकड़ के रखता है, वो छोड़ता ही नहीं है गोलू की नाक को। तो इधर से क्रोकोडाइल खींच रहा होता है गोलू को और गोलू उधर से भागने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के बीच में एक तरीके से फाइट हो रही होती है। फाइनली गोलू अपनी स्ट्रेंथ को लगाता है और उसकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है पाइथन बचने के लिए क्रोकोडाइल से। गोलू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद जैसे तैसे कर बच जाता है, लेकिन जो गोलू की नोज होती है वो खींच कर 5 फुट लंबी हो जाती है। बहुत लंबी सी नोज लेकर गोलू इधर उधर घूमता रहता है। 2 दिन तक तो वो ये सोचता है कि शायद मेरी जो नोज है
वो वापस श्रिंक हो जाए, मतलब वो वापस सुकट जाए और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए। लेकिन थोड़ा उसके चोट लगने के बाद वो चोट ठीक हो गई थोड़ी सी, लेकिन तब भी उसकी जो नोज थी वो श्रिंक नहीं हुई, तब भी उसकी नोज उतनी ही लंबी रही। जो पाइथन था, पाइथन गोलू को बताने लगता है कि ये जो तुम्हारी नोज है इसको ट्रंक बोला जा सकता है और ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, इससे तुम मक्खियों को भी भगा सकते हो और बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर एक बारी में फूड उठाकर खा सकते हो। और पाइथन गोलू को और भी बेनिफिट्स बताता है। पाइथन ये बोलता है कि ये जो तुम्हारी ट्रंक है इसको तुम यूज कर सकते हो मड और वाटर थ्रो करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो तो थोड़ा सा पानी भी अपनी पीठ पे डाल लेना और थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हो तुम, इस तरीके से तुम मिट्टी से भी बच सकते हो। तो गोलू को फाइनली बेनिफिट्स पता चलते हैं अपनी ट्रंक के और वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है किसके लिए, पाइथन के लिए, और पाइथन को बताता है कि अरे थैंक यू भाई तुमने मेरी हेल्प कर दी, और गोलू वापस अपने घर की तरफ चले जाता है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों, मेरे को बहुत पसंद आया ये चैप्टर, आई होप आपको भी पसंद आया हो। मेजॉरिटी ऑफ जो व्यूअर्स हैं वो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, 90% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो नेक्स्ट है, उसको जरूर देखें आप लोग।